सीडीपी सीटेट एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न है, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता? विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? अनिरंतरता, रैखिकता, एकरूपता, पृथक। तो ये दर्शाता है पृथकता। अगला प्रश्न, बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। इसका कथन है और तर्क इसका दिया गया है कि बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। तो ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व करते हैं देखें। ऐसे सॉल्व किया जाता है, कथन क्या है कि बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। ये बात सही है, इसका कथन भी सही है। और तर्क इसका क्या दिया गया है? तर्क है इसका कि बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। तर्क भी इसका सही है। तो आंसर इसका क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रियाओं को की सही व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या है? कौन सी व्याख्या सही है? बच्चे के संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियों आनुवांशिक सामग्रियों के पोषक होने का निश्चित परिणाम है। नहीं, बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढला जा सकता है, ये भी गलत है। बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, और उसमें ना तो आनुवांशिकता की कोई भूमिका होती ना ही परिवेश की, ऐसा भी नहीं होता है। बच्चों का विकास आनुवांशिकता और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। इसका आंसर क्या है? डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानी, बताएं कौन सा सही क्रम है? पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम है पहचानी कौन सा है? पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। तो विकास का जो क्रम होता है, संवेदी, गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक, ये क्रम होता है पियाजे के विकास सिद्धांत का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है?
पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जीन पियाजे ने। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका है। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना है, ऐसा भी नहीं। पियाजे में विकास प्रक्रिया को सतत माना है, ये भी नहीं। इसका आंसर क्या है? पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है कि पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका है। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन वह पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन वह पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में होता है या नियंत्रित होता है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, नैतिक संबंधवाद, तो ये होता है पूर्व पारंपरिक। इसके बाद जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रिया जन्मजात होती हैं? जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रिया जन्मजात होती हैं? अनुकूलन, स्कीमा, मानस चित्र, प्रक्रियाशीलता। जीन पियाजे के अनुसार होती है स्कीमा। अगला प्रश्न, लेब वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में बताएं किस क्षेत्र में होती है। लेब वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है, जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच के बहुत बाहर है, जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। तो लेब वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने की सामर्थ्य है। अगला प्रश्न, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है? कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है? संरचनावाद, सामाजिक संरचनावाद, अवलोकन अधिगम, मानवतावादी अधिगम। तो ये है सामाजिक संरचनावाद। अगला प्रश्न है, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? बहुत से संसाधनों का प्रावधान ये तो होना चाहिए,
लचीलता समूहीकरण ये भी होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार ये नहीं होना चाहिए। छात्रों की सक्रिय सहभागिता ये भी होना चाहिए। एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन ये नहीं होना चाहिए। कौन कौन से ऑप्शन सही बताए जा रहे हैं इसमें? पहला, दूसरा और चौथा। आंसर इसका क्या बनेगा? ए। अगला प्रश्न, हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कैसी है? हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। बुद्धि को तीन प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गित किया जा सकता है। बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। यह बुद्धि एक एकिक संरचना है। हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक एकिक संरचना है। अगला प्रश्न, किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने को क्या करने के लिए क्या सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने को के लिए करना चाहिए। अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना बिल्कुल भी नहीं। प्रत्येक बच्चे का कार्य विश्लेषण कर और उनके अवबोधन पर अंतर ज्ञात करना भी इसका राइट आंसर है। ये करना चाहिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, यंत्रवत याद करने के कौशल का आकलन, विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, या स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश? अगला प्रश्न, विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करें तब उन्हें हतोत्साहित करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। विद्यार्थियों को बोलने की वे केवल स्कूल द्वारा निर्धारित मानक भाषा में बात करें, ये भी नहीं होना चाहिए। वह विद्यार्थी जो हाशिए पर समुदाय से आते हैं, घर पर ट्यूशन रखने को कहना, ये भी गलत। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए।
अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को और प्रोत्साहित करके लड़कों व लड़कियों को अलग अलग अधिगम कार्य देकर उस जिसके लिए वह आनुवांशिक रूप से तैयार है, ऐसा भी नहीं। जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएँ रखकर लड़कियों भाषा में अच्छा करेंगी व लड़के भाषा में, ये भी नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके, अगला प्रश्न, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इनमें असफलता का डर पैदा करना चाहिए ताकि यह दबाव व तनाव में काम करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए, बिल्कुल राइट, यही करना चाहिए। अगला प्रश्न, कथन इसका है कि विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमगात्मक अधिगमों पर बढ़ावा देती है, और इसके बाद ये तो गलत है, ये बात इसका जो कथन है वो सत्य है। तर्क इसका दिया गया है कि समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित हैं, तो ये गलत है। आंसर इसका क्या है? ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए? एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है, दृष्टिबाधित के लिए शिक्षा स्तरीय प्रावधान क्या करने चाहिए? सबसे पहले उन्हें मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको संकल्पना करने के अवसर मिले। अगला प्रश्न, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है उनको विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जाती है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जाती है? चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा, मौलिक सोच द्वारा, बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा, सी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? ये हानिकारक है कि अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना, ये हानिकारक है। अगला प्रश्न, क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देता है। ये बात सही है, यानी कथन इसका सत्य है। अब इसका तर्क क्या है कि अधिगमकर्ता उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते, इसका तर्क भी सत्य है। आंसर क्या है? आंसर इसका पहला ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न, बच्चे किस तरीके से सीखते हैं और किस तरीके से नहीं सीखते? बच्चे किस तरीके से सीखते हैं और किस तरीके से नहीं सीखते हैं? ये बताएं। बच्चे वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और रेखीय तरीके से नहीं सीखते। अगला प्रश्न, अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य के रूप में के स्थान पर प्रेरित करना चाहिए? विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में अवबोध के स्थान पर उपलब्धि प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? तो विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां इंगित करती हैं विद्यार्थियों के सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न है। समस्या समाधान की प्रक्रिया, निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उनके वर्णन से मिलान कीजिए। इसका डी आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है कि अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं? अगला प्रश्न है, एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान कैसा होना चाहिए? अधिगम और ज्ञान एक शिक्षक का की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरचित होना होता है।
आप लोगों ने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है, सभी सब्जेक्ट की पैडागॉजी ब्लथ और इसमें कॉन्सेप्ट सभी समझाए जाते हैं। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।